आज हम करेंगे मॉड्यूल 13A। वीडियो को अंत तक देखें और शेयर ज़रूर करें। 13A पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको इंटर का ऑप्शन दिखेगा, इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से ओके कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक कि ये पूरा 100% तक डाउनलोड नहीं हो जाता है। यहाँ से 100% हो जाएगा, उसके बाद आपकी मॉड्यूल की शुरुआत होगी। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से हमारे मॉड्यूल की शुरुआत होगी और आपको जारी रखे पे क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। हम पुनः आरंभ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम ये दोबारा आपको बताने के लिए कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल टोटल 10 पेजेस का है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको मॉड्यूल की वीडियोस पूरा देखनी है बिना भकाए हुए। ये पहला पेज है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये एरो दिख रही होगी नीचे, इससे नेक्स्ट करेंगे। अब ये दूसरा पेज खुल के आया है। ये वाली वीडियो भी पूरी वॉच करने के बाद नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से अब तीसरा पेज ओपन होता है। ये वीडियो भी देखने के बाद आपको नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक कर देना है। पूरा वॉच करना है आपको, वीडियो में बार कह रही हूँ। ये चौथा पेज आया हमारा। ये वीडियो भी देखने के बाद नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से ये पांचवा पेज आया है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाली एरो जो है वो बंद आ रही है। तो अधिक जानने के लिए प्रत्येक लक्ष्य पर क्लिक करें। तो यहाँ पे चार है, पहला दूसरा तीसरा चौथा लक्ष्य, एक एक करके आपको देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले लक्ष्य पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक और वीडियो आपके सामने आएगी। ये वीडियो पूरी देखने के बाद ऊपर आपको बंद करे का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पहला लक्ष्य कंप्लीट हो गया, दूसरे कलर चेंज हो गया देखिए यहाँ पे। अब दूसरा लक्ष्य पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक और वीडियो आएगी। इसको देखने के बाद ऊपर बंद करे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। भी यहाँ पे तीसरा लक्ष्य भी क्लिक करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बंद करे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब चौथा लक्ष्य, इस पर क्लिक करेंगे और वीडियो देखने के बाद यहाँ पे बंद करे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने पूरा देख लिया है। अब आपको ये बैक वाली नहीं प्रेस करनी है भूल के भी, नहीं तो आपको फिर से एक एक करके सभी पे क्लिक करके देखना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट वाली जो ये आगे वाली दिख रही है इस पर क्लिक करना होगा, तब जाके आपका छठवां पेज खुलेगा। यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट वाली एरो दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये सातवां पेज, वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वाली एरो दिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आठवां पेज है, इसमें प्रश्न आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन करने की क्या आवश्यकता है, उस विकल्प को चुने जो सत्य नहीं है। बच्चों का मूल्यांकन करने की क्या आवश्यकता है, जो सत्य नहीं है उस पर क्लिक करना है। तो बच्चों के सीखने और विकासात्मक स्तरों को जानने के लिए आयोजित की गई पाठ्यक्रम गतिविधि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रही है अथवा उनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आंगनवाड़ी केंद्र में कौन सा बच्चा टॉपर है, तो इसका जो सत्य नहीं है वो तो तीसरा ऑप्शन, आंगनवाड़ी केंद्र में जितने बच्चे होते हैं उनमें टॉपर नहीं देखा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन पे टिक करेंगे और फिर प्रेषित करें पे क्लिक कर देंगे। प्रेषित करने के बाद आपको ये बैक वाली एरो नहीं दबानी है, अगला का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। अगला पे क्लिक करने के बाद दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, वे कथन चुनिए जो मूल्यांकन कार्डों के बारे में सत्य है। वर्ष में केवल एक बार इन कार्डों का मूल्यांकन करें। 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु वर्ग की ओर बढ़ते हुए मूल्यांकन कार्डों में सूचीबद्ध संकल्पनाएँ और कौशल आसान हो जाते हैं। इन कार्डों द्वारा प्राप्त जानकारी बच्चों के अभिभावक को बताएं। केंद्रों में आयोजित गतिविधि से संबंधित संकल्पनाओं और कौशलों का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा और चौथा सही उत्तर है, फिर अगले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये नौवां पेज आता है, जिसमें इस मॉड्यूल में इस वीडियो में आपको आपने क्या क्या सीखा इसको भी पूरा वॉच करें और नेक्स्ट वाली एरो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये 10वां पेज खुल के आया है, जिसमें आपको बोल रहा है कि आप इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं,
अब आप अगला मॉड्यूल आरंभ कर सकते हैं। तो अगला मॉड्यूल आरंभ करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाली एरो बिल्कुल प्रेस नहीं करनी है आपको, ऊपर जो एरो है इससे डायरेक्ट प्रेस करना है, नहीं तो आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट दिखेगा ही नहीं। आप यही गलती करते हैं, ऊपर वाली एरो से बैक जाएंगे और फिर आपके पास वही एंटर वाला पेज खुलेगा और वहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट अ न्यू अटेम्प्ट, तो उस बॉक्स पे क्लिक करके फिर से एंटर करेंगे इसी मॉड्यूल में, तब जाके आपका ये कंप्लीट शो करेगा ग्रीन टिक, और नेक्स्ट जो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो वो खुल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप पूरा कर सकते हैं ऐसे ही।